हेलो एंड वेलकम टू इलेना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो अटेंडेंस अभी आपने मार्क करनी है स्टूडेंट्स की, हर एक स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो जब हमने अपलोड की थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो वीडियो है, मतलब कि जो आपकी स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो मार्क होगी, बट वहां पर वो क्लास वाइज मार्क हो रही थी। बट वहां पर अगर हम किसी बच्चे को ट्रेस करें कि ये बच्चा रेगुलर एब्सेंट हो रहा है, बट वो ट्रेस नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए उसको हर एक पर्सन की अटेंडेंस जब तक मार्क नहीं होगी तब तक वो हमारा जो सोल्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। अब वो लिंक जो है वो पिछले 4-5 दिन से एक्टिवेट हो चुका है, बट वो आपका जो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मोबाइल ऐप है वहां पर ही डिस्प्ले हुआ है। तो आपको मोबाइल ऐप के थ्रू ही आपको क्या करवाना पड़ेगा, अटेंडेंस को मार्क करवाना पड़ेगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारे के सारे जो इश्यूज फेस हुए थे लास्ट 3-4 दिन में, एक्चुअली हम वीडियो इसलिए लेके नहीं आ रहे थे क्योंकि वहां पर वो जो ऐप थी वो स्टेबल नहीं थी। अब काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है, अपडेशन हो चुकी है, तो इसलिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी जो ई पंजाब की जो ऐप है, ई पंजाब स्कूल लॉगिन जो एक ऐप है, जहां पर आप अपने मिड डे मील की इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी सेंड करते हो, डेली सेंड करते हो, अगर वो ऐप आपको नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर ई पंजाब स्कूल की जो वेबसाइट है वहां पर जाइए। यहाँ पर जो ऐप स्टोर है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ई पंजाब स्कूल लॉगिन ऐप, ये वाली ऐप, ई पंजाब स्कूल लॉगिन ऐप, ये आपको मिल जाएगी आपके प्ले स्टोर पर। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर सिंपली ये टाइप कीजिए ई पंजाब स्कूल लॉगिन ऐप, तो वहां पर आपको ये ऐप मिल जाएगी। वो ऐप को आपने डाउनलोड करना है। अगर आपके पास पहले से ही वो ऐप पड़ी हुई है तो आप उसको अपडेट कीजिए, जहाँ फिर पहले जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल करके फिर से नए सिरे से आप क्या कीजिए उसको इंस्टॉल कीजिए, तभी आपके वो सारे के सारे फीचर क्या होंगे एक्टिवेट हो पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपने अपना जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है ई पंजाब स्कूल लॉगिन ऐप, यहाँ पर आपको वो जो ऐप है वो मिल जाएगी। अगर आपके पास पहले से ऐप पड़ी हुई है तो यहाँ पर आपको मिलेगा अपडेट का ऑप्शन। अगर आपका अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपकी ऐप क्या है, अपडेटेड है, जहाँ तो पहले उसको अनइंस्टॉल कर लो, फिर से नए सिरे से आप इसको इंस्टॉल कर लो। तो ये आपकी ऐप जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने मोबाइल पे आप देखना, आपके मोबाइल पे कुछ इस तरह से आपकी ई पंजाब स्कूल लॉगिन ऐप का क्या मिल जाएगा, आइकन बन जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो वो आपसे मांगेगा आपके स्कूल का आईडी पासवर्ड। स्कूल का आईडी पासवर्ड वही है जो आपका ई पंजाब का आईडी पासवर्ड है, वही आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपका आएगा यूडाई स्कोर, यहाँ पर आपका आएगा पासवर्ड, आप क्या करोगे साइन इन करोगे। जो भी आपको ई पंजाब का आईडी पासवर्ड मिला हुआ है वो आपने यहाँ पर फिल करना है। वो हमने यहाँ पर टाइप किया। अब देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने जो ऐप है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके स्कूल का नाम, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास लिंक है, जहाँ पर आपके एक लिंक है आपका, आप मिड डे मील की इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो, स्कूल डिटेल देख सकते हो, स्टूडेंट डिटेल देख सकते हो, क्वेश्चन ऑफ द डे आता है आपका, क्लियर। यहाँ पर आपको एक नया लिंक मिल जाएगा, मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस, ये वाला लिंक आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपके पास लिंक आ जाएगा। यहां से आपसे पूछेगा कि आपकी क्लास कौन सी है और आपका सेक्शन कौन सा है, तो आपने यहां से अपनी वो क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर आपने क्या सेलेक्ट करना है, सेक्शन, क्लियर। जैसे आप क्लास के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास वो क्लासेस बता देगा, आपने उस क्लास को सिलेक्ट करना है जिसकी आपने अटेंडेंस मार्क करनी है, एंड देन फिर आप क्या करोगे सेक्शन को सिलेक्ट। तो फिर आप यहाँ पर जो आपका सेक्शन है उस सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, सेक्शन पे क्लिक, जैसे आप सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, मैंने यहाँ पर सेकेंड क्लास ए सेक्शन सेलेक्ट किया, वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स है उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट ओनली दोज हु आर एबसेंट, सिर्फ आपने उन बच्चों को सिलेक्ट करना है जो बच्चे एबसेंट है। ये एब्सेंट बच्चों की यहाँ पर क्या होगी, मार्क्स अटेंडेंस लगेगी। मान लीजिए कि हमारे पास जो दो बच्चे हैं वो एब्सेंट हैं, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इन दो बच्चों को क्या किया है, सिलेक्ट किया, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इन दो बच्चों को जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो नीचे मेरे पास आएगा कि मार्क अटेंडेंस। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला, कि जो आपकी सेकेंड क्लास में सेक्शन ए में टोटल इतने स्टूडेंट्स थे, इतने प्रेजेंट है, इतने एब्सेंट है, उसको आपने क्या करना, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा अटेंडेंस सबमिट सक्सेसफुली, तो आपकी जो अटेंडेंस है वो सबमिटली क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब बात आती है कि मेरे पास यहाँ पर सेकेंड क्लास में कोई भी बच्चा एब्सेंट है ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
तो उस केस में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना यहाँ पर, कोई भी बच्चे को सिलेक्ट नहीं करना, सीधा यहाँ पर मार्क अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आपके पास इतने प्रेजेंट है और एबसेंट कोई नहीं है। ओके पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और देखो नीचे यहाँ पर मैसेज आपका आ जाएगा अटेंडेंस सबमिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपके पास वो तुम दैट मीन्स कि आपने जो लास्ट में जब आपने कोई भी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर एबसेंट नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपके पास वो जो मैसेज है वो आएगा, उसको आपने ओके कर देना और आपने क्या कर देना, सबमिट कर देना। तो इस तरह से आपकी जो अटेंडेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी सबमिट हो जाएगी। तो ये ऐप जो है वो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से, वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, इसको अपडेट कीजिए और ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट की अटेंडेंस को क्या करवा सकते हो, मार्क करवा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो कैसे मार्क करनी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।